अच्छा दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसे नाश्ता पॉइंट पे लेके आया हूँ जिसका नाम सलाहुद्दीन वोंगपाए है। ये सुबह सुबह 7:30 बजे वोंगपाइयों से भरे पतीले लेके रिक्शे के ऊपर आते हैं और घंटे डेढ़ के अंदर ये अपने वोंगपाए बेच के फ्री हो जाते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो पूजा नहीं कंटिन्यू करते हुए आज मैं पहुंच चुका हूँ लिटन रोड, जहाँ से मैं खाने वाला हूँ सलाहुद्दीन के वोंगपाए। तो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं कि वोंगपाइयों का टेस्ट कैसा है इनके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो अभी आप देख सकते हैं हैवी किस्म का रच लगा हुआ यहाँ पे, और भाई जो है रिक्शे के ऊपर जो है वोंगपाए लेके आते हैं। ये देखिए, ये बड़ा मजेदार सीन चल रहा है। आवाम खड़ी हुई है, वोंगपाए खा रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं। ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं और ये दो पतीले पड़े हुए हैं, इनमें सालन पड़ा हुआ है और यहाँ पे लाल गोटी पड़ी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का जनाब। क्या नाम है आपका? अली हमजा मेरा नाम है। और सलाहुद्दीन किसका नाम है? ये वालद साहब का नाम है। वालद साहब का नाम है। और यार, तो कितनी देर से आप ये सेटअप चला रहे हैं? 30-32 साल हो गए। 30-32 साल हो गए हैं जी। रेट क्या है आपने? रेट सिंगल 200 का, 400 का और फुल 800 का। अच्छा, मिक्स पे अल्लाह जो है मिक्स वगैरह डाल के कितने का बना के देते हैं? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का जी। तो ये 1000 रुपए का जो पहला है वो कितनी क्वांटिटी होती है, कितने बंदे खा सकते हैं? दो बंदे इजीली खा सकते हैं जी। तो अभी जो है बेहतरीन सा पहला जो है मेरे लिए भी लगा दें जरा। अच्छा जी। अच्छा जी, ये बड़ा सा पतीला पड़ा हुआ है, यहाँ से सामान शिफ्ट करके दूसरे पतीले में डाला जाता है इसको, और उसके नीचे चल रहा चूल्हा। मेहरबानी सर, तारी तुझे। तो भाई मेरे आ गए हैं नहीं जी, तो नाश्ता मेरा आ गया है और मज़ेदार सी तरी आई हुई है ऊपर, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है इसकी, और मैं ऊपर ये देख सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं। ये लाल गोटी की, ये लाल गोटी है। गरम एक प्रॉपर जो पायों का एक प्रॉपर टेस्ट होता है, एक खमक सी आती है, ठीक है, वो प्रॉपर एक फील आ रही है, पाए खा रहे हैं। और शोरबे की थिकनेस बहुत अच्छी है, ठीक है, मतलब पतला शोरबा नहीं है, और जो मसाला जार डले हुए हैं बहुत ही बैलेंस्ड हैं, ठीक है, मज़ेदार किस्म के पाए हैं। आप यहाँ पे आके लाजमी खा सकते हैं, रिकमेंडेड प्लेस है। अच्छा भाई, तो नाश्ता करते हुए भाई एक मुझे मिले हैं, इनका रिव्यू भी ले लेते हैं। जी भाई, कैसे हैं? बहुत अच्छा नाश्ता मिला है, हम स्पेशल नाश्ता करने आए हैं। तो कितनी देर से आ रहे हैं यहाँ पे? पहली दफा आए? पहली दफा आए, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट लगा, और बिल्कुल लाइट मसाला है, कोई मसला नहीं। अगर कोई खाना चाहे तो बहुत अच्छा ना, बैलेंस जा सकते हैं जी। बिल्कुल, और नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पे नाश्ता इंशाल्लाह। जी जरूर जरूर, ठीक हो गया। जाते जाते मैं नाम भी बता दें जरा। शहरयार खा ले, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नाश्ता मैंने कर लिया है, नाश्ता अच्छा था, रिकमेंडेड है, और पायों के फ्लेवर्स जो है बड़े मज़ेदार थे, जो स्पाइसिस हैं वेल बैलेंस्ड थे, और थिकनेस भी ठीक थी। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो ये थी कि एक चिपचिपाहट होती है ना पायों के अंदर, मुझे वो फील नहीं हुई, जैसे कि हम घर में पाए बनाते हैं, ठीक है, और एक थिक सा शोरबा होता है। ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, मैंने जितनी जगह से भी नाश्ते किए हैं मैं इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा जो है वो नोट आउट करता हूँ, और मैं अपने व्यूवर्स को भी बताता हूँ, पायों में एक थिकनेस होनी चाहिए जिससे आपके फिंगर जो है ना वो आपके फिंगर्स के ऊपर स्टिकीनेस आए, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये है कि ऐसा भी नहीं है कि ये मज़ेदार नहीं थे, पाए मज़ेदार हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं, आगे खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ। अच्छा भाई, तो लोकेशन थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूँ, लिटन रोड है ये, ठीक है, और ये बिल्कुल सामने अल कुरैश मस्जिद है, ठीक है। अल कुरैश मस्जिद के बिल्कुल सामने अगर आप ये देखेंगे तो आपको जो है सामने सलाहुद्दीन वोंगपाए नज़र आ जाएंगे, और अगर आप इधर से आते हैं मजंग वाली साइड से तो आपके ये आएगा राइट साइड पे, कट लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये सलाहुद्दीन वोंगपाए है। और टाइमिंग मैं आपको बता दूं, सुबह 7:30 बजे ये अपना नाश्ता जो है स्टार्ट कर लेते हैं, और तकरीबन घंटे डेढ़ के अंदर जो है ये फारिग हो जाते हैं। मैं तकरीबन 8:30 बजे यहाँ पे पहुँचा था, और 9 बजे जो है इनके पतीले फारिग हो गए हुए हैं, ठीक है। एक बात और मैंने आप लोगों से करनी थी, हमारे 5000 फॉलोवर कम्प्लीट होने में 1000 फॉलोवर रह गए हैं फेसबुक के ऊपर, तो ये आपकी मदद से ही कम्प्लीट हो सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें,
और फॉलो कर रहे हैं भाई की, हेल्प आउट करें थोड़ी सी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाके बताइएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।